बस पंद्रह हजार अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ग्यारहदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। आज देखिए इस मंच पे नृत्य प्रतियोगिता की झलक देखने को मिलने वाली है। एक तरफ है नदियाद गुजरात की एक डांस टीचर जिनका नाम है नम्रता शाह, और उनके सामने मुकाबला करेंगे दुगदुगी जी से जुम्बा नृत्य की ट्रेनिंग लेने वाले ये कंप्यूटर जी। एक तरफ कंप्यूटर जी इन्हें अपने इशारे पर नाचने का प्रयास करेंगे, तो दूसरी तरफ दुगदुगी जी 10 प्रश्नों को लेकर इनके सर पे नाचेंगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि नम्रता जी आज अपने ज्ञान की ऐसी मुद्राएं दिखाएंगी कि हमारे इस जुम्बा कपल को समझ में आ जाएगा कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अरे वाह नम्रता जी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। ये जो आपने गले में पहना हुआ ना, ये तो अति सुंदर है। अरे और ये जो साड़ी है इसके ऊपर न जाने क्या क्या बना हुआ है। जितना कुछ आपके इर्द गिर्द है ना नम्रता जी, वो मुझे लगता है नृत्य के साथ संबंधित संबंधित है। सही है सर। जब आपका नाम हमने घोषित किया कि आप विजयी हो गई हैं, तो वहां से जो चल के आप आए एकदम लग रहा था नृत्य करते हुए आ रहे हैं। अरे वाह। अभी भी जब आप आई यहाँ से किरकिरदा गिरगिरदा 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 गिरगिरदा, और जब आप बोलती हैं ना वो भी ऐसे ही लगता है कि आप मुद्राएं में बोल रही हैं। इस प्रश्न का उत्तर है तक तिक दिन तक तिक दिन तक तिक बी, ऐसे आता है उत्तर। अरे वाह वाह सर, क्योंकि पतिदेव तो नहीं बोलते सर कभी, आपने बोल दिया वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पतिदेव आए हुए, अच्छा इनका परिचय मैं दे दूं। पतिदेव भी आए हैं, प्रणाम करता हूं सर। आपके सुपुत्र भी आए हुए हैं, अजय शाह जी, आपका शुभ नाम। और कृतार्थ शाह, कितना बढ़िया नाम है कृतार्थ। हमारे जो आज के एक्सपर्ट है उनसे आपका परिचय करवा दीजिए। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं, आज तक में बतौर एंकर और एडिटर कार्यरत हैं, और उनका नाम है चित्रा त्रिपाठी जी। चित्रा जी एक बार हाथ जोड़कर आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका चित्रा जी। तो अपना आशीर्वाद आप देते रहिए। तैयार हूँ सर। ऑलराइट, तो चित्रा जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगे, जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़े इनसे आप उत्तर मांग सके। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ। तो 3 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया था जी। अब आज के इस खेल का जो पहला प्रश्न होगा वो चौथा प्रश्न होगा आपके लिए। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए। नम्रता जी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से क्या इंस्टाग्राम का एक फीचर नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट ए फीचर ऑफ इंस्टाग्राम। ठीक है, ए डायरेक्ट मैसेज, बी रील, सी डिसलाइक, डी फॉलो। डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, रील्स भी बनती है, आपको तो मैं पूरा फॉलो करती हूँ। तो सर इसका जवाब होगा सी डिसलाइक को कंफर्म कीजिए। कंफर्म करना चाहेंगे जी। ऑलराइट कंप्यूटर जी, सी डिसलाइक को ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और 5,000 जीत गए। 5वां प्रश्न खेल का पहला पड़ाव पार कर जाइए इसे, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये एक हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये तस्वीर किस जन जातीय नृत्य शैली के प्रदर्शन की है? दिस इज एन इमेज फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ विच ट्राइबल डांस फॉर्म। तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया, चेहरे पे मुस्कान भी आ गई। ओके ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, ए भवाई, बी कालबेलिया, सी चारी, या डी गैर। भवाई तो हमारे गुजरात का ही लोक नाट्य है। अच्छा। और गैर ये सब राजस्थान से बिलोंग करते हैं, पर मैं कालबेलिया को कंफर्म करना चाहूंगी। कंफर्म है? एकदम कंफर्म है सर। कालबेलिया भी कह रहे हैं, कंफर्म कीजिए। लॉक कर दीजिए कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने।
वो दूसरा नृत्य क्या होता है, गोल गोल घूमते रहते हैं, घूमर घूमर होता है और उसमें कलाई का बहुत अच्छे से यूज होता है। घूमर इसमें नहीं होता क्या? इसमें होता है, दोनों में चक्री ज्यादा होते हैं, कालबेलिया में भी होती है और घूमर में भी चक्री होती है, पर इसमें रिस्ट को बहुत ज्यादा यूज करते इसमें करते हैं। ओके, ऑलराइट सर, कल टाइम थोड़ा कम था। हाँ जी। तो कल मैं बताना चाहती थी कि सर जो कल कोट आपने पहना था ना, वो रंग आप पे इतना खिल रहा था और आप कितने यंग लग रहे हैं सर, क्योंकि 21 साल पहले भी जब मैं इस सेट पे आई थी तब में और आप आज में आप में कोई फर्क ही नहीं है, वैसे ही लग रहे हैं। प्रोड्यूसर जी ये कार्यक्रम बंद करो, मुझे नम्रता जी के साथ चाय पीने जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वही नूर है जो 21 साल पहले देखा है मैंने। पति देव पुत्र सुन रहे हैं इसलिए थोड़ा सा चाय की ही बात बोली है, वरना भोजन वोजन खिलाने ले जाता मैं आपको रेस्टोरेंट। ऑलराइट हाँ सर, मेरे भाई कुशांग शाह। और बगल में मैं हूँ सर। ये आप हैं? हाँ। जाओ जाओ सर, आप तो वैसे ही लग रहे हैं, मैं बूढ़ी हो गई, आप तो वैसे ही लग रहे हो। तो यही की बात है। हाँ सर, मतलब फर्स्ट सीजन में मेरे भाई के साथ मैं कंपेनियन बन के आई थी और कल ये हॉट सीट पे जो सपना मेरा 21 साल का था, तो सपने देखना मैंने कभी बंद नहीं किया। सपने अगर खुली आंख से देखे, हौसला बुलंद हो और मन मजबूत हो, तो सपने कभी भी पूरे हो सकते हैं। तो मेरा ये सपना पूरा हो गया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आपके बारे में हमको ज्यादा जानकारी मिली नहीं, तो हमारे पास जो वीडियो बना है ना उसको पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे आपसे हम। कैन वी सी द वीडियो प्लीज ऑफ नम्रता शाह जी। मैं कथक नृत्य 30 सालों से तालीम दे रही हूँ। दो बच्चों से मैंने शुरुआत की, वर्तमान में मेरे पास 200 शिष्याएं हैं। जब नम्रता मैम कथक करते हैं तभी मुझे भी लगता है कि मैं भी इनके जैसा ही कथक सीखूं। वो हम सबको हंसाती है। कृष्णा बताओ, कृष्णा कैसे करते हैं? मटकी जो कुंभार होता है तो घड़े का आकार देता है, वैसे एक रॉ स्टूडेंट होता है उसको मैं पूरा आकार देती हूँ और वो जब साक्षर हो जाता है तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। नम्रता मैम की वजह से ही, उनकी ट्रेनिंग से ही मुझे नेशनल बालश्री अवार्ड मिला है और नेशनल स्कॉलरशिप भी मिली है। नृत्य के साथ मैं उनको और भी बहुत सारी तालीम देती हूँ, उनको एनकरेज भी उतना करती हूँ। उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो भी मेरे पास आते हैं, माता पिता से भी पहले मुझे बताते हैं। कई बार तो ये बच्चे इतने जुड़ जाते हैं कि अपनी जीवन साथी की पसंदगी के लिए भी मेरी राय लेते हैं। अगर मैं केबीसी में कुछ जीत पाती हूँ तो मैं एक नृत्य आश्रम खोलना चाहती हूँ, जहाँ ज़रूरतमंद पर प्रतिभाशाली बच्चे आके रह सके और अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये कला भी सीख सके और कुछ जीवन में बन सके। कितना अच्छा लगता है, छोटी छोटी बच्चियाँ कितनी सुंदर हैं, कितनी प्यारी हैं, और उनको देख करके उनके चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, आप भी खूब मुस्कुरा रही थी, कितनी अच्छी बात है। नम्रता जी अपने शिष्यों को देख करके आप बहुत प्रसन्न होती हैं। आपने जिन जिन को शिक्षा दी है इनको कहीं बाहर भी ले जाते हैं आप? हाँ सर, 5 साल के होते हैं ये बच्चे, 5-6 साल के, तब से लेके 25-30 सालों के हो जाते हैं तब तक मेरे पास ही रहते हैं। 25-30 साल तक? हाँ सर। ओ। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जाते हैं और हमारा सदनसीब है
कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी है, जब वो सीएम, अभी सीएम थे गुजरात के और अभी पीएम भी है, तो उनके सामने हमें बहुत बार परफॉर्म करने का सद्भाग्य भी प्राप्त हुआ है सर। और श्री उस्मान मीर के साथ हमने लाइव परफॉर्म किया है, और सर बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स के सामने हमने परफॉर्म किया है, जैसे कि पूर्व प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे नमस्ते ट्रंप इवेंट के लिए, तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में हमने स्टेडियम के अंदर परफॉर्म किया था। और कितनी बच्चियां थी उसमें? 10 बच्चियां थी। बहुत सुंदर लगता है जब कोऑर्डिनेट होता है सबका मूवमेंट और गोल गोल घूमती हैं। हाँ, इतनी बार घूमना पड़ता है, चक्कर नहीं आता है? सर नजर एक जगह पे टिकी हो तो चक्कर कभी नहीं आते। ठहर जाए, पतिदेव बहुत नाराज हो गए हैं इस बात पर। अब आ रहा है आपके सामने छठा प्रश्न, और दुगदुगी जी आपको देंगी 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से क्या नव दुर्गा के रूप का नाम नहीं है? Which of the following is not a manifestation of नव दुर्गा? ऑप्शन सुनिए, ए सिद्धिदात्री, बी कात्यायनी, सी स्कंद माता, डी वैदेही। सर वैदेही सीता मैया को कहते हैं, पर सिद्धिदात्री, कात्यायनी और स्कंद माता नव दुर्गा के ही स्वरूप है, और माता सीता भी माँ ही है। जी जी। पर वैदेही, डी वैदेही को मैं कंफर्म करना चाहूँ। डी वैदेही। जी सर। डी वैदेही पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वैदेही सीता माता का एक नाम है जैसे कि आपने बताया, और बाकी सब दुर्गा माता के रूप हैं। सिद्धिदात्री, कात्यायनी और स्कंद माता के रूप को नवरात्रि के नवे, छठे और पांचवें दिन पूजा जाता है। हाँ सर, नवरात्रि तो हमारे गुजरात का तो बहुत बड़ा त्योहार है। जी बहुत प्रचलित। सर आपने खेला है गरबा? जी हाँ, फिल्मों वगैरह में खेला है, बहुत ही सुंदर नृत्य है। जी सर। और इतनी बड़ी संख्या में ये जो गरबा होता है जी, ये शायद विश्व भर में कहीं नहीं होता। हाँ, लंबा और बहुत बड़ा, और इतना लंबा और इतने सारे लोग एक साथ मिल करके नृत्य करते हैं, बहुत सुंदर लगता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब आएगा सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए। तैयार हैं नम्रता जी? जी सर। सातवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है, वीडियो दिखाया जाएगा। कौन से पूर्व खेल मंत्री इस वीडियो क्लिप में नजर आ रहे हैं? Which former sports minister is seen here in this video clip? दिखाइए वीडियो को हमें कंप्यूटर जी। पहले गवर्नमेंट और फेडरेशन में झगड़ा होते रहता था, हर समय ये आपके सामने मीडिया में भी आता था, तो मैंने पहले दिन आकर के बताया कि मैं आप लोगों को चलाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको ऊपर में गवर्नेंस करने नहीं आया हूँ, मैं आपको मदद करने के लिए आया हूँ। खेल के दुनिया में खिलाड़ियों को सहूलियत देने के लिए और खेल संघ को मदद करने के लिए मैं आया हूँ। देख लिया? ऑप्शन देखिए, ए अजय माकन, बी विजय गोयल, सी किरण रिजिजू या रिजिजू, डी सर्बानंदा सोनोवाल। सर अजय माकन और विजय गोयल जी तो नहीं है, किरण रिजिजू पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, अभी पोर्टफोलियो बदल गया है, और सर्बानंद सोनोवाल दिखते तो दोनों ऐसे हैं, पर सी और डी तो किरण रिजिजू पहले थे, तो सर मैं सी को कंफर्म करना चाहूंगी। सी को कंफर्म करना चाह रही हैं, ताला लगाया जाए इसके ऊपर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। खेल कूद में भी आप इतनी ख्याति आपको प्राप्त है, वाह बहुत खूब। मैं मानती हूँ कि हर एक पेरेंट को अपने बच्चे को एक स्पोर्ट या एक आर्ट तो ज़रूर सिखानी चाहिए, जिसके उनका सर्वांगी विकास होता है। और सर आप जैसे महानायक से ज़्यादा तो कौन ये अच्छे से समझा नहीं, सकता ना हमको है। खेलना आता है और ना ही नाचना आता है। अरे सर आर्ट तो और कोई कला आती भी नहीं है हमको। सर आप
तो सभी कला में माहिर है। अच्छा, ऐसे बोलने से हमको नहीं हो जाएगा ऐसा। आगे बढ़ते हैं नम्रता जी, खेल की ओर ध्यान चले गया। आठवां प्रश्न, 80,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। किस देश का नाम पृथ्वी के चारों ओर बनी एक काल्पनिक रेखा के नाम से लिया गया है? Which country has taken its name from an imaginary line around the earth? समझ। विकल्प आपके सामने ये रहे, ए कॉन्गो, बी लाइबेरिया, सी इक्वाडोर, या डी सियेरा लियोन। सर, इमेजिनरी लाइन इक्वेटर पास होती है अर्थ से, तो मैं सी इक्वेडर को कंफर्म करना चाहूंगी सर। लॉक कर दें? जी सर। इक्वेडोर सी, ताला लगाया जाए। बधाई आपको एक बार फिर, जवाब दिया है आपने, 80,000 रुपए जीत गई हैं। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए नम्रता जी, ये रहा आपके सामने। मानव पाचन तंत्र का इनमें से कौन सा भाग सबसे लंबा है? Which of these parts of the human digestive system is the longest? A large intestine, B small intestine, C pancreas, या D esophagus? बड़ी आंत, छोटी आंत, pancreas यानी कि अग्न्याशय, और esophagus ग्रास्नी। पैंक्रियास तो छोटे होते हैं और इसोफेगस नहीं, हाँ छोटी आंत और बड़ी आंत। सर लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, पर नाम से ही लार्ज इंटेस्टाइन मुझे लग रहा है। ए या बी में? सर लार्ज इंटेस्टाइन लग रहा है मुझे, स्मॉल इंटेस्टाइन। 10 सेकंड रह गए, जल्दी बोलिए सर। लाइफलाइन। शांत हो जाए, दुखदुखी जी। अच्छा, चारों जीवित हैं, क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कौन सी लाइफलाइन से मिल सकता है? सर मुझे 50-50। 50-50 करना है, ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और जो दो गलत विकल्प है उनको हटा दीजिए। चल पड़ी है। बी स्मॉल इंटेस्टाइन को कंफर्म किया जाए। ताला लगाया जाए। अरे बच गई आप, बिल्कुल सही जवाब। उधर दुखदुखी हो रहा, हमारा भाग्य हृदय जो है घबरा गया है। हालांकि छोटी आंत बड़ी आंत की तुलना में संकरी होती है, लेकिन ये पाचन नली का सबसे लंबा सेक्शन है जी, जो औसतन लगभग 22 फुट या आपके शरीर की लंबाई का लगभग 3.5 गुना जी होता है। ऑलराइट, अच्छा किया आपने लाइफलाइन ले ली। अच्छा, ये आजकल क्या है नमिता जी की, रैप जानती है ना, रैप गाना? हाँ सर। खूब चलता है, तो कभी आपने किसी रैप संगीत पे नृत्य किया हो? सर रैप सॉन्ग तो अभी अभी आए ना, थोड़े हाँ। साल पहले ही आए हाँ। पर हमारी संस्कृति में और खास करके हमारी जो धरोहर है कथक नृत्य, उसमें तो 400-500 साल पहले रैप यानी एक रिदमिक पोएट्री जी, जी, पर उसमें कथक में तालबद्ध कवित का चलन तो सालों पहले से है सर। तो रैप सॉन्ग्स तो अभी अभी आए, कवित का चलन तो बहुत पहले से है सर। हमको कोई उदाहरण दीजिए। अरे सर मैं तो यही चाहती थी, ये तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा आपके समक्ष कवित प्रस्तुत करना। हाँ, जी जी, कैसे? सर मेरे गुरुजी पंडित श्री सुंदरलाल गंगानी जी रचित एक कवित प्रस्तुत करना चाहूंगी। कहा कहो कछ सुनत नाही समझाओ, जशोदा कन्हैया की मई, नित नित करत जगरो हमसे रोकत गेल हमारो कने, थाड़ रहे हैं ग्वाल बाल ददी बेचन को न जान दे, थाड़ रही है ग्वालन सारी मगमे करी जक जोरी कने, माखन की मटकी फुरडारी कंगन चुरिया तोरडा, बिंदिया मोरी खोड चूनर मेरो फारडारियो, बाजू बंद मेरो खिसकडारियो कमर कनकती तोड़, बरबर के पिचकारी माँ अंगिया मोरी रंगड़ा, हसन लगे दे तारी तारी, हारी मैं तो हारी हार, सुंदर ने
ये छवि निरखी गिरवर की छवि लागे प्यारी कहा कहू कद सुनत ना ही समझाओ यशोदा कन्हैया की मैया ता। आ, क्या बात है, वाह 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 वाह। पुत्र जी भी साथ में गा रहे थे आपके साथ साथ। असर बचपन से सुनता आया है, घर में ही चलता है सब तो। जी जी, कितना सुंदर नाम है उनका, कुतार्थ। अरे कुतार्थ का मतलब क्या होता है भाई साहब? सर आज मैं धन्य हो गया हूँ आपसे मिलके सर। अरे नहीं, एक्चुअली सर ये आठवीं बार है जब मैं आपको मिल रहा हूँ। बताइए। मैं सर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और सेवन हिल्स में मैं काम करता था। ओहो। तो और मेरी वाइफ है शर्मिला, वो नानावती में रेडियोलॉजिस्ट थी, तो उसको मिलने जब आता था तो आपकी मुलाकात एक दो बार वहाँ पे हुई थी। फिर जैसे आज मेरी मदर हॉट सीट पे बैठी है, आप एक बार सर हमारी भी हॉट सीट पे बैठे हो। आपका एक मूवी का शूट चल रहा था 102 नॉट आउट, ऋषि जी के साथ सेवन हिल्स में सर। जी जी, तो जहाँ पे आपको बिठाया था, तो हम लोग जब फ्री हो जाते थे हम वही सीट पे बैठते थे, मैं और मेरे दोस्त, और वही पे पढ़ाई करते थे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृतार्थ जी। परिवार का बड़ा योगदान रहता है नम्रता जी, और आपके जीवन में भी जिस तरह से आपने अपनी कला को आगे बढ़ाया है, निश्चित रूप से परिवार का साथ हुआ रहा होगा। जी सर, ये मेरी माँ ने मुझे बहुत तकलीफों के साथ ये नृत्य कला सिखाना चाहती थी, और हमारे शहर में कथक नृत्य सिखाया जाता था, तो मैंने सीखना शुरू किया। और फिर मेरे गुरुजी पंडित श्री सुंदरलाल गंगानी जी और उनके सुपुत्र श्री हरीश गंगानी जी से मैंने तालीम ली, मैंने विशारद किया, और शादी के 13 साल बाद मैंने अलंकार यानी मास्टर्स किया। ओ। और तपसा एकेडमी ऑफ डांस की मैंने शुरुआत की। और परिवार हमेशा साथ रहा, आपको प्रोत्साहित करता रहा? सर मेरे ससुर जी तो बहुत मुझे प्रोत्साहित किया, और उनका आशीर्वाद सदा ही साथ रहा। पर मेरा बेटा जो है वो हमेशा मेरी एक कमजोरी बोलो या मेरा स्ट्रेंथ बोलो, मेरा बेटा है और बहुत सपोर्ट करता है। हमने स्वर्णिम गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात से शुरुआत की, और जोधपुर राजवी परिवार के समक्ष हो या पूर्व प्रेसिडेंट जापान के श्री शिंजो एबे, बहुत सारे समक्ष हमने प्रस्तुति की है सर। बहुत बहुत बधाई। सर आपने भी तो बहुत सर काम किया है, तो आपके परिवार में भी कुछ नोकझोंक किया, उन्होंने भी आपके लिए बलिदान दिए होंगे? माँ बाबू जी ने कभी रुकावट नहीं की, बल्कि हम तो नौकरी कर रहे थे कलकत्ते में कंपनी में किसी, और जब इधर जाना चाहा था तो शुरू में जब अप्लाई किया तो हम रिजेक्ट हो गए। जी सर। तो फिर बाबूजी ने कहा कि अगर किसी घर में घुसना हो, सब तरफ से दरवाजे बंद हों, तो दीवार फांद के पहुंच जाना चाहिए। अरे वाह। तो हम दीवार फांद करके पहुंच गए मुंबई, फिर यहाँ पर हमने थोड़ा सा वो किया। और सर जया जी के साथ? और रही घर की बात, तो आपने देखा ही होगा कि हमारे तो चारों तरफ सब कलाकार ही बैठे हैं। कलाकार। पर जब अभिषेक जी और श्वेता जी छोटे थे तब तो आप उतना समय शायद नहीं। वो एक हमको हमेशा एक थोड़ा सा दुख रहा है। हाँ। क्योंकि सुबह जब जा रहे होते हैं काम पे तो वो सो रहे होते हैं, जब वापस आते हैं फिर सो रहे, क्योंकि देर रात वापस आते थे, तो वो थोड़ा सा कष्ट हुआ, लेकिन अब सब समझदार हो गए। हाँ सर, श्वेता जी का चेहरा तो बिल्कुल आपसे मेल खाता है, और हम ऐसे मानते हैं कि जिन बेटियों का चेहरा अपने पिता से मिलता हो बहुत भाग्यशाली होती है सर। तो सुन के बहुत खुश होंगी। ओके नम्रता जी, अब आपका ध्यान आ जाना चाहिए परिवार को छोड़ करके अगले प्रश्न पर। यह है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। जी सर। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, अभी भी आपके पास 3 लाइफलाइन बची हुई है। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। मार्च 2021 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? इन मार्च 2021 हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्कोर 10,000 रन इन इंटरनेशनल। ऑप्शन सुनिए, ए मिताली राज, बी स्मृति मंदाना, सी अंजुम चोपड़ा, या डी हरमनप्रीत कौर। सर हमारी विमेंस टीम की कैप्टन मिताली राज ही है शायद, कि वही है
जिसने जिन्होंने 10,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए। सर मैं ए मिताली राज को कंफर्म करना चाहूंगी। मिताली राज ए? जी। श्योर है? श्योर। लगा दें ताला? लगा दीजिए। ए पे मिताली राज लिखा हुआ है और इस पे ताला लगाया जाए। हे भगवान, सर वैसे क्रिकेट में ज्यादा तो जानकारी नहीं है पर। अरे इतना सुंदर खेल रही थी आप नमिता जी। स्मृति मंदाना के बारे में आपने नहीं सोचा क्या? सर चलिए अब कोई बात नहीं, दे देते हैं आपको 3 बीजे। नाम 3,20,000 रुपए का चेक। और ये यहीं रख रहा हूं क्योंकि आपने जब अपनी जीवन की व्याख्या बताई थी तो आप कह रहे थे कि मैं एक संस्था खोलना चाहती हूँ जहाँ पर मैं बच्चियों के लिए मेरी अपनी एक संस्था हो, और उसके लिए 3,20,000 तो शायद पूरा नहीं होगा और बहुत सी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ढेर सारी धनराशि यहाँ से। सर आपके आशीर्वाद। जी जी, कुछ चीजें बता दूं आपको। सर बोलती हूँ, मुझे आपका नाम जो आप फिल्मों में भी रखते हैं वैसे गुस्ताखी माफ सर, पर मैं आपको अमित जी कहकर बुला सकती हूँ। कि केवल अमित बोलिए। देखिए आपको हम सही सही बता दें, वो आपने बात की ना नेत्र वाली जी। अब इतना बोलने के बाद चाय पे जब जाएंगे तो अमित जी बोलेंगे, आप अमित बोलेंगे ना। अमित चलो ले चलो जरा चाय पिलाने ले चलो, या कुछ ऐसे बोलेंगे आप। जी भी काट दीजिए, हम उस लायक नहीं हैं। ओके नम्रता जी, आगे आपको बता दें कि ये जो परेशान कर रही थी आपको, ये अब शांत हो गई है। शांत हो गई। और यहाँ हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपयों का, उसका द्वार खुल गया। प्रत्येक प्रश्न अब और भी गंभीर और कठिन होता जाएगा जी। बहुत ध्यान से खेलिएगा, समय समय आपके पास सोचिए, यदि आपको लगे कि यही सही उत्तर है तो ही खेलिए और उत्तर दीजिए, ना लगे तो आपके पास 3 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइंस हैं, उनका उपयोग किया जाए। और एक बात, 15वें प्रश्न पर अगर आपने 1 करोड़ रुपए जीत लिया और खेलने जा रहे हैं 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, और आपके पास अगर कोई लाइफलाइन बची होगी तो उसका आप प्रयोग नहीं कर सकती। केवल अपनी बुद्धि का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? ऑलराइट, ये अगला प्रश्न आप अवश्य खेलिएगा। ये हम इसको कहते हैं नो रिस्क प्रश्न जी। क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं। जी अमित जी। हाँ नहीं नहीं, फिर जी बोल दिया। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किस शासक ने संस्कृत में मत्त विलास प्रहसन शराबी की खुशी नामक नाटक की रचना की थी? Which of these kings authored the play मत्त विलास प्रहसन, The Delight of the Drunkards within brackets, a farce in Sanskrit? ऑप्शन रखूं आपके सामने? हाँ रखने पड़ेगा। विकल्प आपके सामने, ए गोपाला वन, बी महेंद्र वर्मन वन, सी राजराज चोल वन, या डी नागभट्टा वन, या नागभट्ट वन। गोपाला प्रथम या गोपाल प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, राजराज चोल प्रथम, ये नागभट्ट प्रथम। सर मुझे बिल्कुल ही इस बारे में आइडिया नहीं है जी। क्योंकि मत्तविलास प्रहसन द डिलाइट ऑफ द ड्रंकर्स, शराबी की खुशी, और संस्कृत में नाटक,
मैं सर लाइफलाइन लेना चाहूंगी। ओके। जी सर। तीन बची हुई हैं। ऑडियंस बोल, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। सर मैं फ्लिप द क्वेश्चन करना चाहूंगी। फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानती हैं, इसे हटा देंगे, नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। राज चोल प्रथम, इस पे ताला लगा जाए। ये गलत होता है। सही उत्तर है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम एक पल्लव राजा थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी की शुरुआत में वर्तमान तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों में उन्होंने शासन किया तमिलनाडु। ओके, अब इस प्रश्न को हटा देंगे। एक सूची दी थी हमने आपको जब यहाँ आप आई थी, कहा था कि किसी एक विषय को चुनिए। आपने क्या चुना? सर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी चुना आपने? बहुत कम लोग हैं ज्योग्राफी चुनते। ऑलराइट, तो कंप्यूटर महाशय इसको हटा दीजिए और ज्योग्राफी के आधार पर एक नया प्रश्न जो है वो प्रस्तुत किया जाए नम्रता जी के लिए। कौन सी नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? Which canal connects the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean? Okay? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए पनामा कनाल, बी स्विस कनाल, सी स्टॉकहोम कनाल, डी सुज़हो कनाल। स्विस कैनाल तो नहीं है क्योंकि वो तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है, और पनामा कैनाल मुझे पनामा कैनाल लग रहा है सर। okay. सर ये पनामा कैनाल लग रहा है मुझे अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच। सुज़हो कैनाल ने स्टॉकहोम के पास है। सर ये पनामा कैनाल कंफर्म है? हाँ कंफर्म है सर, ये पनामा कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच। पनामा कैनाल सोच रहे आपने, कंफर्म? ए पनामा कैनाल, ताला लगाया जाए। जीत गए हैं आप, ये बिल्कुल सही उत्तर है। सोच रहे थे आपकी, पता नहीं सही है नहीं। पनामा नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था 1914 में। इसके उद्घाटन से 1979 तक पनामा नहर पर पूरी तरह से संयुक्त राज्य का नियंत्रण था। 1979 में नहर का नियंत्रण संयुक्त राज्य अमेरिका और पनामा गणराज्य की एक संयुक्त एजेंसी द पनामा कैनाल कमीशन को दे दिया गया था, और 31 दिसंबर 1999 को इसका पूरा नियंत्रण पनामा को सौंप दिया गया। बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑलराइट सर, आपका आशा अभिलाषा जो सप्ताह चल रहा है, हाँ, मेरी भी एक आशा है अमित जी, आप अगर पूरी करने की कृपा करें। सर अभी हमारी फैमिली में सर सिर्फ हम चार ही लोग जानते हैं, पर मैं इस प्रतिष्ठित मंच से कहना चाहती हूँ कि मैं दादी बनने वाली हूँ। और बहुत बहुत बधाई आपको। मेरी बहू एक्सपेक्ट कर रही है सर, अभी 3 महीना ही हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि सर आप वो बच्चे का कोई भी एक नाम अगर दे तो हमारी पीढ़ी, मेरे बेटे की पीढ़ी, उसकी बच्चे की पीढ़ी, हम पीढ़ी दर पीढ़ी आपसे ही सर मिलते तो रहेंगे। तो बड़ा गंभीर हो गया। कंप्यूटर जी हमारी मदद करेंगे, कुछ हमको बताइए, कुछ नाम डाल दीजिए हमारे लिए भी, ताकि उनकी आशा पूरी हो जाए, और बाद में जिस बच्चे को नामकरण होगा वो बोलेगा ये पता नहीं कौन सा नाम दे दिया यार अमिताभ बच्चन ने। जैसे अगर वो बेटी होती है हाँ। तो अद्रिति। अरे वाह सर, अद्रिति, ये शायद अदिति दुर्गा माखन को नाम अद्रिति बोलते हैं। और पुरुष आदर्श, अधिराज। अरे वाह सर, और बहुत से कॉमन नाम है, अभिनव वगैरह तो बहुत कॉमन नाम सर, है। आ गया ना इसमें। अरे ओहो,
अरुणाभ, अरुणाभ जी सर, वो मिलता जुलता है अमिताभ से। आपके जो चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं, मैं हमेशा देखती रहती हूँ स्क्रीन पे, आप बिलीव नहीं करोगे, आपका जो चेहरा है ना, वो जो फेसेस आप बनाते हो, एक्सप्रेशन देते हो, इतना इनोसेंट है, मैं तो वही देखने बैठती हूँ। देखो अभी भी इनोसेंट, सभी मेरे साथ सहमत हो गए सर। देवी जी, क्या है जो भावनाएं अंदर होती हैं वो चेहरे पे आ जाती हैं, ये बात कृपया करके पत्नी जी को भी बोल दीजिएगा कि मैं बहुत ही इनोसेंट किस्म का इंसान हूं। झगड़ा झगड़ा मत कीजिए हमारे साथ, देखेंगे तो डांटेंगे। ऑलराइट अमृता जी, चलिए खेल की ओर ध्यान देते हैं। 12वां प्रश्न अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह है 12,50,000 रुपए, 2 लाइफलाइन बची हैं अभी भी। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप खेल रही हैं, इसी तरह आगे भी खेलिए। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। 1927 में किसने पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की FICCI की स्थापना की। In the year 1927, who, along with Purushottam Das Thakur Das, founded the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, commonly known within brackets, FICCI. Options A, Jamnalal Bajaj. B, J.R.D. Tata. C, Seth Hukumchand. D, G.D. Birla. सभी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ही है, बजाज, टाटा, बिरला, सेठ हुकुमचंद। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा जी सर। दो बची हुई हैं, एक तो ऑडियंस है, दूसरा है आस्ती एक्सपर्ट। सर मैं ऑडियंस बोल लेना चाहूंगा। ऑलराइट, अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है, 40 मीटर्स हाथ में रखिए। 1927 में किसने पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए, जमनालाल बजाज, बी, JRD टाटा, सी, सेठ हुकुमचंद, या डी, GD बिरला। और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 54%। 19-21 6% दिया है ए, बी और सी को। क्या कीजिएगा? 54% जीडी बिरला जी, घनश्याम दास बिरला जी। सर डी, जीडी बिरला पे कंफर्म कर लीजिए। कमरिया जी, डी, जीडी बिरला, ताला लगाया जाए। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग बड़ी कंप्लीट कर रहे हैं, पता नहीं हमने सही बटन दबाया कि नहीं। सही बटन दबाया है आपने। वेल प्लेड, थैंक यू। क्या बात है, बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये। महात्मा गांधी की सलाह पर फिक्की की स्थापना पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला ने की थी। ये भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने व्यापारिक संगठन में से एक है फिक्की। वेल प्लेड ऑडियंस, जितवा दिया उन्होंने आपको। नम्रता जी,
12,50,000 रुपए और अब आएगा 13वां प्रश्न और ये है 25 लाख रुपयों का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित है, सही उपयोग कीजिए, आगे बढ़िए और अपनी जो संस्था आप बनाना चाह रहे हैं वो ईश्वर की कृपा से बन ही जाए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। किस भारतीय नदी घाटी से मांसाहारी डायनासोर के जीवाश्म पाए गए थे और उसे राजा सौरस नाम दिया गया था? At which Indian river valley were fossils of a carnivorous dinosaur found and given the name Rajasaurus? Options are A. Zanskar Valley, B. Damodar Valley, C. Mahanadi Valley, D. Narmada Valley. मैंने पढ़ा तो है सर कहीं पे, क्योंकि जंस्कर वैली एकदम नॉर्थ में, हमारे काराकोरम के नीचे जम्मू कश्मीर के पास जंस्कर वैली, और दामोदर वैली साउथ, नर्मदा तो बीच मध्य भारत से गुजरती है और महानदी उड़ीसा। रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं ना, याद नहीं आ रहा, पर कार्निवोरस डायनासोर फाउंड नर्मदा पे तो नहीं ही है, नहीं याद आ रहा कि नर्मदा पे है। दामोदर और महानदी, हाँ दामोदर भी झारखंड, महानदी भी वहां से, जंस्कर वैली पर। सर इतने, सर ये कौन सा प्रश्न है अमित जी? ये 25 लाख रुपयों का है और एक लाइफलाइन अभी भी है आपके पास। सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगी, तुक्का मार के तो मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। आस्ती एक्सपर्ट, जो बची हुई लाइफलाइन है वो है आस्ती एक्सपर्ट, इसको अंक दिया जाए। और चित्रा जी आपकी बारी आ गई है, प्रकट होइए हमारे सामने। चित्रा जी प्रश्न ये है कि किस भारतीय नदी घाटी से मांसाहारी डायनासोर के जीवाश्म पाए गए थे और उसे राजा सौरस नाम दिया गया था? ऑप्शंस है ए संस्कार वैली, बी दामोदर वैली, सी महानदी वैली या डी नर्मदा वैली। ठीक है सर, अब ये सवाल यकीनन बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि नम्रता जी को उनके सवाल का आंसर ज़रूर दूँ, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है और उनके नाम से जुड़ा हुआ मुझे लग रहा है नर्मदा वैली गुजरात में ही साल 2003 में मुझे याद आ रहा है कि उस समय इसको पाया गया था अमेरिकी और भारतीय वैज्ञानिकों की मदद से, और गुजरात से भी इसके लिंक जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश से भी इसके लिंक जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर नम्रता जी आपके नाम ने आज साथ दे दिया, नर्मदा वैली पर आप मोहर लगा दीजिए। मेरा आंसर यही है डी नम्रता वैली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करें, इनके साथ जाना चाहिए, ये ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। कितना सही उत्तर दिया और कैसा बढ़िया अनुमान निकाला उन्होंने, बहुत अच्छे से, और कैसी भूमिका भी बांधी। चित्र जी बहुत बहुत बधाई आपको। यहाँ पाए गए जीवाश्म करीब 65 मिलियन वर्ष पुराने थे। बहुत बहुत बधाई आपको नम्रता जी, और 13 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। मुझे ऐसा लगता है आपकी संस्था तो बन गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और भी धनराशि यहाँ से जीते। कोई भी लाइफलाइन नहीं आपके पास, यदि आपको सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा जी, वरना अगर ना मालूम हो तो अब तो लाइफलाइन नहीं है और गेस वर्क जो है आम तौर पर नहीं चलता। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश का राष्ट्रीय झंडा विश्व में सबसे पुराने समय से लगातार प्रयोग में लाया जा रहा है? Which country's flag is considered the oldest continuously used national flag in the world? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए
ग्रीस बी, फिनलैंड सी, डेनमार्क डी, आइसलैंड. यूनान, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड. सर ग्रीस जो है यूनान वो बहुत पुराना है. फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क नहीं, ग्रीस लग रहा है मुझे. यूनान. फिर दोहरा रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, लाइफलाइन नहीं है. सही उत्तर देंगे 50, गलत नीचे ले आएंगे 3-20 पर. ये बहुत ही भयंकर होगा. नहीं. ना मालूम हो आप क्विट कर सकती है, 25 लाख रुपए आप जीतेंगे. सर मैं क्विट करना चाहूंगी. सर इस मुकाम पे मैं कोई तर्क नहीं कर सकती. जी जी ओके. तो नम्रता जी जो है, कंप्यूटर जी, ये क्विट करना चाह रहे हैं. नम्रता जी खेद तो हमें हो रहा है, लेकिन आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें. बहुत बहुत शुक्रिया. और ये जो जीती हुई रकम है आपकी, इसे हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे. 25 लाख रुपए आपने जीते हैं. यहाँ आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर बटन दबाया और 25 लाख रुपए भर दिया है, कंफर्म किया और ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है तुरंत. और इसी के साथ मुझे लग रहा है कि निर्माण हो गया है आपकी संस्था का. नमस्ते जी, जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा. किसी एक को गेस कीजिए. सर मैं ग्रीस को. ग्रीस के साथ जाएंगे. एक ग्रीस पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता. सही उत्तर है डेनमार्क. अच्छा. डेनमार्क के राष्ट्रीय ध्वज में लाल पृष्ठभूमि पर एक सफेद स्कैंडिनेवियन क्रॉस का वर्तमान डिजाइन 1625 में अपनाया गया था. ऑलराइट. तो नम्रता जी, आपसे मिलके, आपके प्रदर्शन को देख करके, आपकी बच्चियों को जो आप शिक्षा दे रहे हैं उसे देख करके हमें बहुत खुशी हुई है. हमारी शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं. थैंक यू सो मच. समझो समय आ गया एक और फास्टर सिंगर फर्स्ट का. ओके कंटेस्टेंट्स, इधर वाले जरा ध्यान से खेलिएगा प्लीज. देख रहे हैं ना कितने कितने निकल गए यहां से. ओके फास्टर सिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट. पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन सा शहर किसी भारतीय राज्य की राजधानी नहीं है? विच ऑफ दीज सिटीज इज नॉट अ स्टेट कैपिटल. और आपके ऑप्शन ये आपके सामने. भोपाल, बी नासिक, सी मुंबई, डी अगरतला. हो गया समय समाप्त. आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए. सही उत्तर है बी नासिक. नासिक सही जवाब है. अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है. सभी ने सही जवाब दिया. सबसे कम समय किसका है? लक्ष्मी नारायण प्रधान जी का 1.41 सेकंड में उत्तर दिया है. अब आने वाला है हमारा लीडर बोर्ड. लक्ष्मी नारायण जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं. अब आता है दूसरा प्रश्न आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. दूसरा प्रश्न ये रहा. इनमें से कौन से नेता भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? विच ऑफ दीज लीडर्स हैज नेवर बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने. ए चंद्रशेखर, बी इंदिरा गांधी, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी अटल बिहारी वाजपेयी. चंद्रशेखर जी, इंदिरा गांधी जी, नीलम संजीव रेड्डी जी. समय समाप्त हो गया. आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए. सी नीलम संजीव रेड्डी, यह है सही जवाब. अब देखते हैं किन किन लोगों ने नीलम संजीव रेड्डी कहा है. ये रहे उनके नाम. दो को छोड़ के सबने सही जवाब दिया. और सबसे कम समय किसका है? युवराजप्पा बीसी 2.20 सेकंड. और लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती? लक्ष्मी नारायण जी प्रथम स्थान पर थे, पहुंच गए युवराजप्पा बीसी प्रथम स्थान पर. तीसरा प्रश्न आने वाला है और यह निर्णय करेगा कौन हॉट सीट पर जाएगा.
तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के सदस्य देशों की संख्या सबसे कम है? Which of these international organizations has the least number of member countries? और आपके options here in front of you: A. UN, B. SAARC, C. EU, D. WTO. UN, United Nations, B. SAARC, C. EU, European Union, D. WTO, World Health Organization. समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सही उत्तर है बी सार्क। सार्क सही जवाब है। और किन किन लोगों में देखें, सार्क में जवाब दिया है, किन लोगों ने जवाब दिया, 1, 2, 3 केवल। और सबसे कम समय किसका है? रुचि जैन जी का 2.40 seconds। और अब देखते हैं लीडर बोर्ड पर क्या स्थिति बनती है। युवराज अप्पा पहले चल रहे थे, जोर से एक बार। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको। सर 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 सर, अंत में चलिए कोई ना कोई तो निकला इधर से। सर आशीर्वाद सर आप। अरे हमारा आशीर्वाद नहीं है, ये आपका ज्ञान है, आपकी क्षमता है। झुनझुनी आ रही। प्रांशु जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और आप एक शिक्षक हैं जी, क्या पढ़ाते हैं आप और कहाँ पढ़ाते हैं? उमरिया में ही? जी सर, उमरिया से 15 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे मैं 9th-10th class में मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ्स पढ़ाते हैं जी? अरे बड़ा भयंकर ये सब्जेक्ट होता है। जी जी जी। कैसे आपने चुना मैथ्स? पहले 11th-12th में मैंने मैथ सब्जेक्ट लिया, फिर उसके बाद मैंने मैथ से BSc किया। BSc किया मैथ में? जी मैथ से BSc किया, उसके बाद मैंने DEd करके मैं अपना जो प्रोफेशनल है उसको मैंने शिक्षक के रूप में चुना। और मैथ से मेरी सर बचपन से ही मेरा लगाव था। कैसे याद रहता है आपको? भाई साहब आपको बता दें व्यक्तिगत बात है, हमने भी BSc किया हुआ है जी। BSc जनरल कोर्स किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जी। मैथ में बहुत चीज सीखा, एक भी चीज याद नहीं है हमको अभी। सब गायब हो गया है। ओके तो कंपेनियन के रूप में आप शायद अपनी माताजी को ना है, प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? श्रीमती गायत्री त्रिपाठी। गायत्री जी प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत स्वागत आपका। ऑलराइट प्रांशु जी, सर खेल की ओर अब ध्यान देते हैं। सबसे पहले नियम बता देता हूं आपको जी। यहां पर देखिए एक धनालय खड़ा हो जाता है, 15 प्रश्न आते हैं एक एक करके, उसके सामने एक मूल्य है, उत्तर देते जाइए, सही होता गया आप पैसे जीत सकते हैं। 1,000 रुपए से शुरुआत होती है, पहुंच जाते हैं हम 15 प्रश्न पर 1 करोड़। 15 प्रश्न के बाद 16वां प्रश्न आता है जिसका मूल्य है 7 करोड़। यहां जाने के लिए 2 पड़ाव आते हैं, एक है 5वें प्रश्न पर 10,000, दूसरा है 10वें प्रश्न पर 3,20। और इसके बाद जैसे कि हमने कहा हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। एक दुगदुगी जी हैं जो बचती रहती हैं, 45 सेकंड देंगी आपको पहले 5 प्रश्नों तक, 5 से 10 तक 60 सेकंड, उसके बाद जो शांत। चांस आप मत लीजिएगा, इसलिए 4 लाइफलाइन रखी हुई आपके लिए। ऑडियंस पोल है 50-50 है, फ्लिप द क्वेश्चन आस्क द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट से शायद आपका परिचय हो भी गया होगा क्योंकि आपसे पहले जो गए उस समय हमने परिचय दे दिया, लेकिन एक बार आपके साथ भी हम करवा देते हैं। तो हमारी आज के एक्सपर्ट हैं चित्रा त्रिपाठी जी। चित्रा जी एक बार आइए और प्रांशु को अपना आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार प्रांशु त्रिपाठी जी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके आशीर्वाद मिल गया आपको चित्रा जी का। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बधाई आपको प्रांशु जी हमारी तरफ से, बढ़िया खेलिएगा। स्टूडेंट्स आपके सब देख रहे होंगे। पहला प्रश्न 1,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द इस मुहावरे को पूरा करेगा, बाएं हाथ का डैश, जिसका अर्थ है बहुत आसान काम। Which of these words would complete this proverb, which means very easily handled? बाय हाथ का डैश। ऑप्शन सुनिए, ए उंगली, बी पैसा, सी खेल, या डी कंगन। C
सर प्लीज कंफर्म सी खेल 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 पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल बाएं हाथ का खेल था ये तो आपके लिए, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 1000 रुपए जीत गए। हम इनसे बिल्कुल नाराज हैं, हम दुखी हैं कि इन्होंने ऐसा बोला है, क्योंकि भैया हम बाएं हाथते हैं तो हमारा हाथ क्या बाएं हाथ की तरह नहीं चल रहा है क्या? सर आप लिखते रहे। हाँ वो दोनों तरफ से लिख सकते हैं हम सर। एक्चुअली जब हम जो बच्चे थे ना हम जी, तो हम लिखते थे बाएं हाथ से जी। फिर अच्छा। चार साल तक हम लिखते रहे सर। फिर बाबूजी बोले ये गलत हाथ है तुम्हारा जी, तो दाहिने हाथ से लिखो जी। तो दाहिने हाथ से लिखना शुरू कर दिया। तो अभी थोड़ा बहुत हम बाएं से भी लिख लेते हैं, दाएं से भी लिख लेते हैं। मेरे पिताजी भी लिखते, अच्छा अच्छा लिखते बाएं हाथ से हैं और थप्पड़ राइट। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्टोरेज माध्यम आमतौर पर अन्य तीनों के आकार या रूपरेखा का नहीं होता है? Which of these storage mediums is usually not shaped like the other three? A. Blu-ray, B CD, C DVD या D flash drive? सर प्लीज कंफर्म डी फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव सर। चोर है सर, लगा दे ताला। बिल्कुल सर, लगा दीजिए ताला डी पे कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 2000 जीत गए। सर डर एकदम डर जाते हैं जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं। तो प्रांशु जी आज का समय यही समाप्त हो गया है सर, तो आपसे हम विदाई लेंगे, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल सर। और जाने से पहले हम विदाई लेंगे हमारे जो आज की एक्सपर्ट है चित्रा जी से। चित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आगे। बहुत सारे सही उत्तर आपने दिए चित्रा जी, और एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन। थैंक यू सो मच। तो देव संजय समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, और इसके साथ साथ मैं एक और घोषणा करना चाहता हूँ, और वो हमारे इस हफ्ते के बाकी बचे खिलाड़ियों के लिए है। देखिए आज क्या हुआ इसे आज में ही छोड़ दीजिए, अब कल की तैयारी कीजिए। कल नया दिन है, नई आशाएं लेकर आएगा, और नई अभिलाषा के साथ नई संभावनाओं का स्वागत किया जाए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। अनबिलीवेबल है ये।